नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का काफी स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रीसेट मोबाइल से डिलीट हुए कंटेंट को, डिलीट हुए डेटास को किस प्रकार रिकवर किया जाता है। अगर आपने भी अपना स्मार्टफोन एज अ रीसेट कर दिया था या रीसेट हो चुका है और आप अपने रीसेट मोबाइल से डिलीट हुए कंटेंट को, डिलीट हुए डेटास को रिकवर करना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हम अपने डिलीट हुए कंटेंट को किस प्रकार रिकवर करेंगे। दोस्तों काफी ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिनके माध्यम से हमारा डेटा करप्ट हो चुका है, डिलीट हो चुका है और अब हम अपने डिलीटेड डेटा को रिकवर करना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं, तो कैसे लाएंगे, तो उसके लिए आप हमारी ये वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखें। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास वीडियो को जरूर पहुंचाएं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आपको हमारा एंड्रॉइड स्मार्टफोन साइड में नजर आ रहा होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन के अंदर रीसेट हुए डेटास को, करप्ट हुए डेटास को किस प्रकार रिकवर करेंगे। अगर आप ये सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारी ये वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखें। आज की इस वीडियो के अंदर आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, तो प्लीज आप हमारी इस वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखें। दोस्तों इसके लिए आपको अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर जहां कहीं भी सेटिंग का ऑप्शन आ रहा हो आपको सेटिंग ऑप्शन के अंदर क्लिक कर लेना है। सेटिंग के ऑप्शन के अंदर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस टाइप की विंडो आती है। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन नजर आ रहा है गूगल सेटिंग्स का। अधिकतर किसी भी कंपनी का आपका स्मार्टफोन हो सकता है, चाहे सैमसंग, ओप्पो, वीवो, मोटोरोला, शाओमी, रेडमी, पोको, ओप्पो, एवरीबडी, किसी भी स्मार्टफोन कंपनी का आपका स्मार्टफोन हो सकता है, सभी में ही गूगल की फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेगी। तो आपको गूगल पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप से विंडोज यहाँ पर आ जाती है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा दोस्तों बैकअप। आपको इस बैकअप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। देखिए यहाँ पर हमारे सामने बैकअप आ रहा है, इस बैकअप पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर हमारा नीचे की तरफ, हम जैसे ही बढ़ते हैं तो नीचे की तरफ हमारे सामने यहाँ पर हमारे एप्स का बैकअप, फोटोज, SMS, हिस्ट्री, ड्राइव, यहाँ पर काफी कंटेंट आ रहा है। अब अगर आपके फोटोज, वीडियोस अगर एज डिलीट हुए हैं फैक्ट्री रीसेट से तो आपको करना क्या है, यहाँ एक ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है, ये देख सकते हैं आप, फोटो एंड वीडियोस का, फोटो एंड वीडियोस पर हमें क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी कंटेंट है, फोटोज, वीडियोज है, वो आपको नीचे देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली मैनेज स्टोरेज पर जाकर उसे रिस्टोर कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आपका किसी भी कंपनी का अगर एंड्रॉइड स्मार्टफोन है और आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन के अंदर डिलीट हुए कंटेंट को, डिलीट हुए डेटास को अगर एज अ रिस्टोर करना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं, रिकवर करना चाहते हैं, तो जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं इन स्टेप को फॉलो करके आप कर सकते हैं। काफी शानदार सरल मेथड है, इनको एक बार फॉलो जरूर करें। दोस्तों अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा, काफी कुछ नया जानने को मिलेगा, तो प्लीज आप हमारे चैनल की ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को, नॉलेजेबल वीडियोस को, ज्ञानवर्धक वीडियोस को जरूर देखें। वैसे तो एक ये मेथड मैंने आपको बताया है, ऐसे मैंने काफी मेथड, अलग अलग स्टेप वाइज मेथड आपको समझा रखे हैं, बता रखे हैं। अगर आपने उन मेथड को देखा है, सीखा है, समझा है तो आपको काफी हद तक जो है समस्याएं डिलीट हुए फैक्ट्री रीसेट से उसके कंटेंट को, डेटास को किस प्रकार रिस्टोर किया जाता है आपने सीख लिया होगा। आई होप अगर आपने सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए, नॉलेजेबल वीडियोज के लिए, ज्ञानवर्धक वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का प्रेम पूर्वक दिल से हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।